नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में हम यहां पर चर्चा करेंगे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम की कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी का क्या हाल देखने को मिल रहा है और उस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय रहेंगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कीमतें हैं उनमें कुछ बढ़त देखने को मिली है पहले के मुकाबले। जहाँ पर पहले सोना $1,820-$1,830 पर नीचे लुढ़क चुका था, अब उसी सोने चांदी की जो प्राइसेज हैं उनमें बढ़त देखने को ममिली है। चांदी भी देख रहे हैं $21.8 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि जो अमेरिका का जो इकोनॉमिक डेटा निकल के सामने आया है वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। जो US इकोनॉमिक डेटा है वो थोड़ा लो देखने को मिला है। दूसरा, अभी जो वैश्विक बाज़ार है उसमें एक रिसेशन यानी कि मंदी आने की जो संभावना है, ज़्यादा महंगाई को देखते हुए और रशिया यूक्रेन से जो प्रभावित हुए हैं उद्योग, उसको देखते हुए एक मंदी आने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में हेजिंग बढ़ी है। और इन्हीं सब के चक्कर में हम देख रहे हैं कि डॉलर का थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा फिसला है और जो गोल्ड सिल्वर की जो प्राइसेस है उनमें यहाँ पर एक बढ़त देखने को मिली है। यही कारण है कि घरेलू और इंटरनेशनल दोनों ही जगह वायदा बाजारों में सोने चांदी के जो दाम है उनमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जब तक मार्केट में ये सेंटिमेंट्स एज इट इज़ बने रहेंगे, तब तक सोने चांदी के जो प्राइसेस हैं उनमें भी ऐसी ही बढ़त देखने को मिलती रहेगी। बात करेंगे यहाँ से अब कच्चे तेल की। तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI $110 पर ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $110 पर। WTI देख रहे हैं कि अब ब्रेंट के साथ टक्कर लगाता नज़र आ रहा है। $110 पर ही दोनों के दोनों क्रूड ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल पर काफ़ी ज़्यादा दाम घटा दिए हैं, जिसकी वजह से अब जो पेट्रोल है जितना सरकार ने चुनाव खत्म होने के बाद बढ़ाया था, लगभग उतना ही दाम सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर घटा भी दिए हैं, जिससे आम जनता ने काफ़ी राहत महसूस भी की है। अब सर अमेरिका ने कह तो दिया है कि अमेरिका और यूरोपीय देश रशिया की कच्चे तेल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे, वहाँ से कच्चे तेल नहीं खरीदेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से कच्चा तेल निकालना भी शुरू किया। लेकिन कोई देश कब तक अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से, अपने स्टॉक से कच्चा तेल निकालते रहेगा? हालांकि अमेरिका भी कच्चा तेल का उत्पादन करता है, लेकिन अमेरिका में कच्चे तेल की जो इन्वेंट्रीज हैं वो बड़ी हो या उत्पादन बड़ा हो, ज़्यादा डिमांड के मुकाबले ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया हो, अभी तक कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने नहीं आई हैं। आपको बता दें कि मार्केट में अभी क्रूड की जो सप्लाई है वो टाइट ही है। टाइट अगर ज़्यादा भी नहीं है तो ज़्यादा डिमांड के मुकाबले ज़्यादा भी नहीं देखने को मिली है। डेफिसिट नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो ज़्यादा सरप्लस भी नहीं हो रहा है। इसके डेफिसिट और सरप्लस के बीच में ही जो इन्वेंट्रीज हैं क्रूड की, जो सप्लाईज हैं वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अब जो क्रूड है बीच में स्टक हो गया है, ना ज़्यादा तेज़ी के ऊपर जा पा रहा है ना ही ज़्यादा नीचे फिसल पा रहा है। यही कारण है कि कच्चा तेल ऐसी उठापटक के साथ ट्रेड करता नज़र आ रहा है। और आने अभी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चाइना में जो कोरोना वायरस है उसके मामले कुछ कम हुए हैं, जिसकी वजह से चाइना की सरकार ने वहां पर लगे हुए लॉकडाउन में कुछ ढीले दी हैं, और जब ढीले दी गई हैं तो उद्योग अपनी अपनी पटरी पर धीरे धीरे लौटते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूड की डिमांड निकलेगी और कीमतों में कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल रुझान कच्चे तेल में तेज़ी वाला ही है। बात करेंगे यहाँ से अब बेस मेटल्स की। तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि आज कॉपर में यहाँ पर हल्की सी नरमी आती नज़र आई है। कॉपर $4.3 पर ट्रेड कर रही है, 1% की गिरावट है। वहीं MCX पर जिंक 323 पर ट्रेड कर रहा है, 1% की गिरावट के साथ। MCX निकल 2100 पर है, 2.5% की गिरावट के साथ। और लेड 184 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। लेड के अंदर भी लाल निशान के साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर कारोबार होता नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स का जो बाज़ार है उसमें यहाँ पर एक नरमी वाला रुख देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जो चाइना की तरफ से जो डिमांड नहीं आ रही थी उसकी वजह से बेस मेटल्स के जो प्राइजेज हैं उसमें हमने नरमी आते हुए देखी हैं। और दूसरा, जो इकोनॉमिक स्टिमुलस वहाँ पे घोषणा की जाने वाली थी उसको लेकर भी जो बातें हैं वो थोड़ी तेज़ हुई थी, जिसकी वजह से भी हमने यहाँ पर बेस मेटल्स में बीच में तेज़ी आती देखी थी। लेकिन आज देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नरमी वाला रुख देखने को
मिल रहा है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह बीजिंग, चाइना की जो राजधानी है बीजिंग, वहाँ पर जो कोरोना के जो केसेस है थोड़े ज़्यादा देखने को मिले थे, जिसकी वजह से जो मार्केट सेंटीमेंट्स हैं वो थोड़े से नेगेटिव बने हैं बेस मेटल्स को देखते हुए। और इसकी वजह से आज हमने बेस मेटल्स के जो प्राइजेज हैं उनमें यहाँ पर एक नरमी आते हुए देखी है। लेकिन ओवरऑल रुझान जो रहेगा बेस मेटल्स का वो पॉजिटिव ही है। आगे जाके इन फ्यूचर बेस मेटल्स के जो प्राइजेज हैं वो आगे बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि जितनी भी जो गिरावट आई है बेस मेटल्स के अंदर वो डिमांड और सप्लाई की, वो डिमांड के मुकाबले कम, और ये जो इन्वेंट्रीज हैं, जो सप्लाईज हैं, उसकी वजह से डिमांड ज़्यादा घटी है। और अभी रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, जिसकी वजह से जो आवाजाही है बेस मेटल्स की रशिया और यूक्रेन से, वो भी थोड़ी कम ही देखने को मिल रही है बाकी देशों में। इसकी वजह से भी हमने बेस मेटल्स पे यहाँ पे बीच में कीमतें सुधरती देखी थी। लेकिन चाइना जो कि एक मेजर प्लेयर है बेस मेटल्स का मार्केट में, वह उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट होते नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे यहाँ से अब नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं $8.9 पर ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं, 1.25% की बढ़त है। नेचुरल गैस में सुबह के कारोबार इस सत्र में हमने $8.8 पर ट्रेड होते हुए देखा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पर नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं उनमें यहाँ पर धीरे धीरे हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। आपको बता दें कि अमेरिका की जो LNG है, यानी कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है अमेरिका की, उसके एक्सपोर्ट में उछाल देखने को मिला है और वो 7 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर पहुंचा है। इसकी वजह से आज हमने नेचुरल गैस के जो दाम हैं उनमें एक बढ़त आते हुए देखी है। नहीं तो बीच में खबरें आने लगी थी कि अब जो माइल्ड वेदर रहेगा उसकी वजह से जो डिमांड है कम रहेगी, और इसकी वजह से हमने नेचुरल गैस में यहाँ पर हल्की सी नरमी भी बनते हुए देखी थी। लेकिन ये जो खबर निकल के सामने आई है कि अमेरिका की जो LNG है उसके एक्सपोर्ट में बढ़त देखने को मिली है, 7 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर है, इसकी वजह से आज नेचुरल गैस के जो दाम है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की, जानेंगे कि अब कृषि फसलों का बाज़ार कैसा रह सकता है। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले खाद्य तेलों के बाज़ार से। तो खाद्य तेलों का जो बाज़ार है हमने तेज होता हुआ देखा है, अभी भी जो दाम है तेज ही देखने को मिल रहे हैं। भले ही इंडोनेशिया ने दोबारा से जो एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया था वो हटा दिया हो, लेकिन अभी भी जो दाम है वो एज इट इज़ बने हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। अब इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि भारत ने अपने गेहूँ के निर्यात पर बैन लगा दिया था। अब इंडोनेशिया कोई इतना बड़ा देश तो है नहीं कि वहाँ पर वीट का जो गेहूँ का जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। जब इंडोनेशिया ने भारत की स्थिति को देखते हुए अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया पाम तेल पर, तो भारत ने भी अपनी स्थिति को देखते हुए गेहूँ के निर्यात पर बैन लगा दिया। तो ऐसे में इंडोनेशिया पर एक प्रेशर भी था, और दूसरा जो खाद्य तेलों के जो दाम थे लगातार बढ़ते जा रहे थे, इंडोनेशिया के भी किसानों ने वहाँ पर हड़ताल करी थी, स्ट्राइक करी थी कि जो एक्सपोर्ट है उसको खोला जाए, क्योंकि उनकी जो पाम की फसल थी वो नहीं खरीदी जा रही थी। तो इंडोनेशिया चारों तरफ से प्रेशर में रहा था, जिसकी वजह से इंडोनेशिया को मजबूरन पाम तेल का जो निर्यात है उसको खोलना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि खाद्य तेल के जो दाम है वो एज इट इज़ बने हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि सरकार इस पर, खाद्य तेलों पर कुछ एक्शन ले सकती है। अब क्या एक्शन लेगी, क्या सेस घटाएगी या फिर जो शुल्क है उसको कम करेगी, क्या निर्णय लेगी सरकार, वो सरकार पर ही डिपेंड करेगा। आगे जैसी नोटिफिकेशंस आएंगी अधिकारियों की और ऑफिशियल लेवल पर, वो भी आपके साथ साझा करी जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन निकल के सामने नहीं आई है। अभी तक ऐसी बाजार में सिर्फ बात ही चल रही है कि सरकार खाद्य तेलों को लेकर बहुत ही जल्द एक बड़ा फैसला कर सकती है। यहीं से बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी हम देख रहे हैं कि कम आवकों का जो दबाव है वो मार्केट पर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी बीच में हमने आवकों का प्रेशर भी बनते हुए देखा था सोयाबीन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने अपनी सोयाबीन निकालने की कोशिश करी थी, कुछ किसानों ने स्टॉक भी कर लिया था। अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो आवकों का दबाव है वो फिर से बढ़ गया है। मंडियों में सोयाबीन की आवक ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, किसान बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन बिकवाली की वजह से भी जो दाम है वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अभी भी सी जो है, यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी का बयान निकल के सामने आया है कि जो सरकारी उत्पादन अनुमान है सोयाबीन का,
और जो एक्चुअल आंकड़ा है और जो बाकी व्यापारियों का आंकड़े हैं सोयाबीन के उत्पादन के 2021-22 के, उस उन दोनों में अंतर है। सरकार के मुताबिक 13 पॉइंट समथिंग मैट्रिक टन का उत्पादन है सोयाबीन का, लेकिन व्यापारी अनुमान के अनुसार 10 मैट्रिक टन के आसपास ही सोयाबीन का उत्पादन अनुमान बताया जा रहा है। तो ये जो गैप है, इसकी वजह से ही जो बाज़ार है वो थोड़ा उथल पुथल हो रखा है, थोड़ी उठापटक इसलिए देखने को मिल रही है। वहीं सी का ये भी कहना है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो एक्चुअल में सोयाबीन का उत्पादन है वो 10 मिलियन टन से भी कम ही है, और इस अंतर की वजह से खाद्य तेल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा आवकों के दबाव के चल के बावजूद भी सोयाबीन के जो दाम हैं वो नीचे नहीं जा रहे हैं। और किसानों के पास भी अब ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही कि जो किसान हैं इस बार तिलहन की बुआई ज़्यादा करेंगे 2022 में भी, इसकी वजह से भी जो कीमतें हैं उनको कहीं ना कहीं बल मिलता रहेगा। बात करेंगे यहाँ से अब गेहूँ की। तो सरकार ने हाल ही में भारतीय गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सिर्फ ज़रूरतमंद देशों को ही भारत गेहूं का निर्यात करेगा, लेकिन इससे एक बड़ा खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है अभी। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि अगर भारत अपना फिर से गेहूं का निर्यात चालू नहीं करता है तो भारत के समय भारत पर तो नहीं होगा लेकिन बाकी दुनिया पर वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है, और पूरी दुनिया के पास अभी सिर्फ और सिर्फ 10 हफ्तों का ही गेहूं का स्टॉक बचा हुआ है। तो इसलिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बातचीत करेंगे और मुलाकात भी करेंगे, जिससे इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। अभी हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से वहाँ से गेहूं की जो सप्लाई है वो बंद है। जानकार और जो मार्केट विशेषज्ञ, उनका तो ये मानना है कि अगर एक बार रशिया और यूक्रेन से सप्लाई होनी शुरू हो जाती है, जो ब्लैक सी पर जो पोर्ट्स पर फंसे हुई है माल, उनकी आवाजाही शुरू हो जाती है तो जो सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाएगी। भारत के पास भी पर्याप्त स्टॉक है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी अच्छा खासा है। हालांकि इस बार भारत में गेहूं का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले कम बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ी है जिसकी वजह से फसलें थोड़ी ख़राब हुई हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी ठीक ठाक है। लेकिन भारत सरकार ने भी देखा जाए तो ये फैसला इसलिए लिया है जिससे कि जो आम जन है उसको राहत दी जा सके, और जो गेहूं के जो दाम और आटे के जो दाम लगातार बढ़ रहे थे, आटे के दाम, उस पर कुछ अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि जो निर्यात हो रहा था गेहूं का वो अनियंत्रित तरीके से हो रहा था। अब इसके बाद जो बाज़ार के व्यापारी हैं उनको ये डर सताने लगा है कि कहीं सरकार गेहूं पर निर्यात बैन करने के बाद गेहूं पर स्टॉक लिमिट ना लगा दे। अब ऐसी खबरें इसलिए निकल के सामने आ रही हैं क्योंकि जो किसान हैं वो तो अपना गेहूं अधिकतर व्यापारियों को बेच चुके हैं। व्यापारियों ने किसानों से उनकी उपज खेत में ले जाने से पहले ही उनके घर जा जाकर गेहूं की खरीद कर ली। किसानों ने अपनी ज़्यादातर उपज बेच भी ली। कुछ किसानों ने गेहूं अपने पास इसलिए बचा लिया क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके लिए काम आता है। तो किसानों ने अपने खुद के लिए पर्सनल स्टॉक रख कर बाकी का गेहूँ निकाल दिया तेज़ी में। अब जितना भी स्टॉक बचा है वो व्यापारियों के पास, स्टॉकिस्टों के पास बचा है, और उनको ये डर है कि अगर सरकार ने इस पर स्टॉक लिमिट लगा दी तो उनको कहीं गेहूं अपना निकालना ना पड़ जाए। तो ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है, जिससे कि जो बाज़ार के अंदर गेहूं की जो सप्लाई है, गेहूं की जो आपूर्ति है, अच्छी खासी बनी रहे और जो आटा है उसके दाम कम हो सकें। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, अभी तक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें ही चल रही हैं। बात करेंगे यहाँ से अब चावल की, यानी राइस की। तो जैसे सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया, अब ऐसे ही व्यापारियों को डर है कि कहीं सरकार चावल के निर्यात पर भी बैन न लगा दे। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि भारत सरकार चावल के निर्यात पर बैन लगा सकती है। अब ऐसा क्यों है वो जान लेते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में भारत के लोगों को खाद्यान्न संकट से बचाने के लिए गेहूं के निर्यात पर
बैन लगा दी। अब जो चावल है वो भी अनाज का ही पार्ट है, अनाजों में ही काउंट होता है। तो ऐसे में एक सेंटिमेंट बने हैं मार्केट्स के अंदर कुछ ऐसे कि भारत सरकार चावल के निर्यात पर भी बैन लगा सकती है। और इसी खबर के चलते, इसी अफवाह के चलते खाड़ी देशों से भारतीय बासमती चावल की जो मांग है वो ज़्यादा देखने को मिली है। अभी इस समय वर्तमान में भारतीय बासमती चावल की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। दो हफ्ते के अंदर अंदर ही जो भारतीय चावल, भारतीय बासमती के जो दाम हैं उनमें ज़ोरदार उछाल देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, जो खाड़ी देश हैं वो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं बासमती राइस के, उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे कर रहे हैं, जिससे कि जो शिपिंग है, जो शिपमेंट है वो जल्दी से जल्दी की जा सके। दूसरा, इस खबर के साथ साथ एक और सेंटीमेंट है जो जिसकी वजह से भारतीय बासमती चावल की जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसको बल मिला है, वो है पाकिस्तान में चावल का महंगा होना। पाकिस्तानी बासमती चावल बाकी फॉरेन कंट्रीज़ को महंगा पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने वहाँ से चावल ना खरीदकर खरीद का एक हिस्सा भारत की ओर रुख किया है, जिससे कि भारतीय चावल की भी सस्ते में खरीद की जा सके। भारतीय चावल पाकिस्तानी चावल से इस समय सस्ता बैठ रहा है, जिसकी वजह से जो खाड़ी देश हैं वो पाकिस्तान से कम और भारत से ज़्यादा चावल खरीद रहे हैं। तो इसकी वजह से बासमती चावल की जो एक्सपोर्ट डिमांड है अभी उसमें तेज़ी देखने को मिली है, और यही कारण है कि इस समय जितने भी चावल हैं उनके जो प्राइजेज हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब तक नई फसल नहीं आ जाती है मार्केट के अंदर, तब तक जो प्राइजेज हैं उनमें ऐसी ही तेज़ी बनी रहेगी। बात करेंगे यहाँ से अब हम कैस्टर सीड की। तो कैसे सीड देख रहे हैं कि कैसे सीड का जून वायदा 7600 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कैसे सीड में हमने 7500 का लेवल काफ़ी समय पहले देखा था, अब 7600-7700 तक के लेवल हमने कैसे सीड में बनते देख लिए हैं। आपको बता दें कि कैसर का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले कम ही है। जो फार्मर्स हैं वो दूसरी क्रॉप पर शिफ्ट हुए हैं जिनमें ज़्यादा मुनाफा है, इसकी वजह से कैसे की जो प्रोडक्शन है कम ही रहेगी, नो डाउट। लेकिन जो डिमांड है वो हमने बीच में इसमें घटती हुई देखी थी, क्योंकि कैसर का जो मेजर खरीदार है, जो मेजर बायर है वो चाइना है, और चाइना लॉकडाउन में था। अब चाइना में धीरे धीरे लॉकडाउन खुला है, जिसकी वजह से भारतीय कैस्टर ऑयल की डिमांड चाइना की तरफ से आती दिखेगी, और इसके जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसमें तेजी आएगी और उससे प्राइसेस को बल मिलेगा। लंबी अवधि में कैसर के जो प्राइसेस हैं 8000 तक जाने की उम्मीद जानकार बता रहे हैं। बात करेंगे यहाँ से बिनौला खल की। बिनौला खल में देख रहे हैं कि 2877 पर प्राइसेस ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं, 1.5 से 2% की बढ़त बिनौला खल में देखने को मिल रही है। देख रहे हैं कि बिनौला खल के जो प्राइसेस हैं एक बार फिर से धीरे धीरे निचले स्तरों से रिवाइव होते नज़र आ रहे हैं, रिकवर होते नज़र आए हैं। आपको बता दें कि बिनौला खल बीच में 2600 तक नीचे गया था, हालांकि जो फंडामेंटल्स हैं बिनौला खल के वो ओवरऑल कुल मिलाकर अच्छे खासे ही हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन कम रहना, दूध के दाम बढ़ जाना, पशु चारे पर निवेश कम होना, दूसरा अनाजों के दाम बढ़ जाना, मोटे अनाजों के जैसे मक्का सोयाबीन, इन सब के दाम बढ़ जाना। तो ये सारे फंडामेंटल्स बिनौला खल को मजबूती देने वाले ही हैं। लेकिन जो इस बार कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग देखने को मिली है बिनौला खल में कॉटन सीड ऑयल के में NCDX पर, वो इस बार थोड़ी कम है, और यही कारण है कि बिनौला खल में यहाँ पर अभी कुछ समय के लिए जो भाव थे वो थोड़े कम हो गए थे। लेकिन ठीक उसके उल्टा हमने हाजिर बाजार में होते हुए देखा, जहाँ पर हमने वायदा में कीमतों में गिरावट आती देखी, हाजिर बाजार में बिनौला के जो दाम हैं उनमें हमने तेजी बनते हुए देखी। तो हाजिर में जो प्राइजेज हैं वो ठीक ठाक ही हैं, अच्छे खासे ही हैं, 4000 रुपये क्विंटल तक बिनौला के जो दाम हैं वो देखने को मिले हैं। अभी एक्सपर्ट्स ऐसी अटकलें लगा रहे हैं कि बिनौला खल की जो प्राइसेस हैं एक बार फिर से 3000 तक जाती नज़र आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ थोड़े दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस हिसाब से 2900 तक हमने बिनौला खल को ट्रेड होते हुए देख लिया है अभी मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो 3000 या 3000 के ऊपर भी बिनौला खल की जो प्राइसेस हैं एक बार फिर से जाते नज़र आ सकते हैं। यहीं से बात करें अगर कॉटन की,
तो कॉटन में हमने 50,000 का आंकड़ा पार करते हुए देखा था कॉटन की प्राइसेस को MCX पर, लेकिन फिर उसके बाद हमने वहां पर हल्की धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आते देखी। प्रॉफिट बुकिंग इतनी कोई मेजर देखने को नहीं मिली है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की ज़रूर देखने को मिली है, और जिसकी वजह से जो प्राइजेस हैं जून वायदा के 47,700 पर हैं और मई वायदा के 48,110 पर। आपको बता दें कि इस बार कॉटन की बुआई ज़्यादा रहने का अनुमान के चलते भारत में कॉटन के जो दाम हैं वो थोड़े स्लिप ऑफ हुए हैं MCX पर। विदेशों में कॉटन का जो उत्पादन अनुमान है वो घटाया जा रहा है, जैसे कि अमेरिका में, टेक्सास में, चाइना बेल्ट में। विदेशों में कॉटन की कीमतों में तेज़ी रहना, एक्सपोर्ट डिमांड तेज बने रहना, भारतीय स्पिनिंग मिलों की तरफ से डिमांड अच्छी खासी रहना, तो इन सब की फैक्टर्स की वजह से कॉटन के जो प्राइजेस थे बीच में उनको बल मिला था। लेकिन अब जो प्रोडक्शन है ज़्यादा रहने के अनुमान के चलते वायदा बाज़ार में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। वहीं हाजिर बाज़ार की बात की जाए तो हाजिर बाज़ार में कॉटन के जो दाम हैं ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, एज इट इज़ अच्छे खासे ही चल रहे हैं। और जिस हिसाब से कॉटन महंगी हुई है तो नो डाउट इससे कपड़े जो हैं वो भी महंगे हो सकते हैं आने वाले समय के अंदर। बात करेंगे यहाँ से ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि ग्वार गम का जून वायदा 11,600 के ऊपर है, जुलाई वायदा 11,800 के ऊपर। ग्वार सीड का जुलाई वायदा 6,100 पर ट्रेड कर रहा है और जून वायदा 6,000 के आसपास। ग्वार गम ग्वार सीड में देख रहे हैं कि जो प्राइसेस है धीरे धीरे निचले स्तरों से फिर से रिवाइव होने शुरू हुए हैं। बीच में अभी कुछ समय तक हमने ग्वार गम ग्वार सीड में एक सीमित दायरे में कारोबार देखा था, लेकिन अब यहाँ पर जो प्राइसेस हैं अब वो धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ते नजर आएंगे। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, लेकिन जो प्राइजेज हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते भी रहेंगे। बात रही ग्वार की बुआई की, तो ग्वार की बुआई पिछली बार हमने 2021 में कम देखी थी, क्योंकि जब बुआई का समय था बरसात नहीं हुई थी ग्वार के मुख्य उत्पादक राज्यों में, और इस बार मानसून पर डिपेंड करेगा कि ग्वार के जो बुआई है वो कैसे रहती है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्वार की जगह इस बार जो किसान है वो दूसरी फसल की, दूसरी कृषि फसलों की बुआई ज़्यादा करेंगे, तो इस बार ग्वार की जो स्विंग है वो कम रह सकती है। अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, मार्केट के अंदर ऐसी बातें चल रही हैं। बाकी मानसून पर डिपेंड करेगा कि बारिश कैसी रहती है, और कहीं पिछली बार वाला सिनेरियो तो नहीं बन रहा जिसकी वजह से ग्वार की जो स्विंग है वो कम रह जाए। ये मानसून पर डिपेंड करेगा। बाकी अभी मसालों की बात की जाए तो हल्दी देख रहे हैं 8,100 पर है लाल निशान पर, जीरा जून वायदा 21,600 पर। धनिया की बात करें तो धनिया का जून वायदा देख रहे हैं 11,300 पर है। मसालों में देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर पर लिवाल कम होने की वजह से मसालों की जो प्राइजेस हैं वो थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल्स मजबूत हैं जिसकी वजह से हमने कीमतों में तेजी आते हुए देखी थी, लेकिन कभी कभार प्राइसेस उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जब जो खरीदार हैं वो भी ऊपरी स्तरों पर खरीदारी करने से बचते हैं। हर कोई चाहता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी करें, तो जो अचानक उछाल आया था तब खरीदारी जो करने से चूक गए थे वो अब खरीदारी करने से थोड़ा बच रहे हैं, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा हैं और जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी थोड़ी पहले के मुकाबले कम देखने को मिली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक तो महंगे हो गए हैं, कच्चा तेल महंगा हुआ है जिसकी वजह से माल ढुलाई की जो लागत है वो बढ़ गई है। अब जो इम्पोर्टर्स हैं जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो भी उतना ही माल मंगा रही हैं जितनी उनको ज़रूरत है। पहले क्या होता था, पहले कुछ एक्स्ट्रा माल मंगवा लिया जाता था साथ में, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही जो माल है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में जो मसालों के जो दाम हैं वो कुछ नरम हैं। बाकी मंडियों में जो आवक है वो ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से अराइवल प्रेशर की वजह से जो प्राइसेस हैं उनमें एक दबाव बनता नज़र आ रहा है। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाज़ार का अपडेट कि शाम के कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाज़ार कैसा ट्रेड करता नज़र आ रहा है और जानकारों के अनुसार आगे किस कमोडिटी में कैसा सिनेरियो बनता नज़र आ सकता है। फिलहाल बाज़ार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट MCV पर।